जीवन कैसे आप हमारी बात समझ होंगे, फिर आप एक नए दिशा की ओर ले चल रहे हैं, क्योंकि आपको रोज मैंने दिखाया किस तरह से मैं स्कूल ब्लॉग पर आपके लिए नया ब्लॉग लाता हूँ। आज एक नया ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, जो कि खड़ा हूँ सिविल लाइन, जो कि हमारा यहाँ पे पुलिस वाले को रहने के लिए स्थान दे रहा था, यहीं पे खड़े हुए थे। आपको चलते हुए दिखाई मेरी सिविल लाइन जो सार मुझे चलना है, जहाँ पे फूड पार्लर बना हुआ हमारे जहाँ में लखनऊ के साथ सेम टू सेम फूड पार्लर बन चुका है। आपको आइए चलते हैं वहाँ पे, पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, वहाँ का टेस्ट भी बताएंगे कैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे ले चलते हैं। आने के वाले हैं, आपको वहाँ चल के दिखाते हैं और भैया के आपको नाम भी बताएंगे, क्योंकि इनको खुद नहीं पता, तो वहाँ चलते हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पे सब लोग आते हैं खाने के लिए, आपको पूरा दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं, बताते हैं। निकल रहे हैं आपसे, ले चलते हैं अपने बाइक से, बैठेंगे वहाँ से बाइक से अपने स्टार्ट करके वहाँ की अपनी फूड पार्लर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम चल रहे हैं आपको फूड वाला दिखाने के लिए। आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से ले चलते हैं, आके पूरा दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं, क्योंकि आप काफी ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, हम दिखाने चल रहे हैं, आपको ले चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं टेस्ट भी बताते हैं किस तरह का। लोकेशन आपको लास्ट में मिलने वाली है, तो आपको पूरे ब्लॉग को देखिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मिलते हैं आपको सीधे चलते हुए। तो दोस्तों यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि चल रहे हैं फिर से, आपको मैंने बताया था, एक नए ब्लॉग की तरफ, क्योंकि वो भी फूड वाला ही ब्लॉग है। आजकल मैंने फूड वाला ही ब्लॉग बना रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है खाना पीना घूमना, तो आपको घूमते हुए हम दिखाते हैं किस तरह से जाएंगे, कहाँ पे जाना है, क्योंकि आजकल हमारे अयोध्या में जैसे लखनऊ की तरह सेम टू सेम फूड कॉर्नर बन चुका है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखा था, जो मैंने गए थे, आज भी हम आपको चल रहे हैं वहाँ पे लेके, क्योंकि वहाँ का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बताया कि वहाँ पे जाओ ट्राई करो, टेस्ट दो कैसा रहता है, तो मैं वहाँ चल रहा हूँ आज, क्योंकि उसने बोला काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, काफ़ी ज़्यादा मैंने नाम सुना है उसका। तो आज हम यहाँ से अपनी बाइक से निकल चुके हैं, देखिए किस तरह से मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम है, क्योंकि हम निकले थे शाम को 4 बजे के आसपास, तो आपको ले चलते हैं घुमाते हुए, दिखाते हैं किस तरह से हम जाएंगे, कहाँ से घूमते हुए जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को लोकेशन तो बता देनी पड़ती है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन देना पड़ता है किधर से जा रहे हैं किधर से, क्योंकि आजकल एक स्थान पे जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, क्योंकि नए नए रास्ते से जाना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। हम आज उस रास्ते चल रहे हैं ताकि आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा न मिले और आप आराम से वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि ट्रैफिक मिलेगी आप ट्रैफिक में कुछ देर खड़े होना पड़ता है, इसलिए आपको हम घुमाते हुए नहीं ले जाएंगे, शॉर्टकट से ही ले चलते हैं, आपको व्यू दिखाएंगे चारों तरफ से, देखिए किस तरह से रोड यहाँ पर चल रही है। फिर भी अभी यहाँ पे कोई कार नहीं चल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आराम से आप सब लोग आ जा रहे हैं, तो आपको ले चलते हैं जो कि हमारे अयोध्या में बना हुआ फूड कॉर्नर, वो कहाँ पर है, काफ़ी अच्छा बना है, लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे अयोध्या में आते हैं लोग तो उनको भी नहीं पता होता, अयोध्या में कई लोग बीच अयोध्या में भी आते हैं, अयोध्या बहुत बड़ा है कि छोटा सा तो क्षेत्र है नहीं, फिर भी हम आपको ले चलते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से घुमाते हुए उस फूड कॉर्नर की तरफ, क्योंकि फूड कॉर्नर के पास हम पहुंचने ही वाले हैं। ये देख लीजिए जो आपको पूरा यहाँ से दिख रहा है, हमारे अयोध्या में बना हुआ फूड कॉर्नर है, यहाँ पे सब लोग आते हैं खाने के लिए घूमने के लिए, यहाँ पे आप अपनी बाइक रोक दोस्तों। फाइनली हम जहाँ पहुँचने वाले तो आप पहुँच गए, जो कि हमारे अयोध्या में फूड कॉर्नर जो खुला हुआ फूड वाला, जो कि लखनऊ की तरह सेम टू सेम खोल दिया गया है, अब लखनऊ जाने की किसी की जरूरत नहीं है, हमारे अयोध्या में भी अवेलेबल है, तो आपको आइए शॉप को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि जस्ट हम अभी पहुंचे हैं, आपको पूरी शॉप दिख रही है, अंडर 9 में पनीर मोमोज देते हैं भैया, इनके पनीर मोमोज की आपको पूरा आपको व्यू दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, टेस्ट भी बताएंगे कैसा होता, आप ब्लॉग को कंटिन्यू पूरा देखिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि अभी इनके अंडर 9 में पनीर मोमोज के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, हमें आपके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा अंडर 9, तो आपको हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं, टेस्ट भी बताएंगे, आपको ले चलते हैं इनके शॉप की तरफ, दिखाते हैं किस तरह से अपनी शॉप को सजाए हुए हैं, किस तरह से इनके शॉप के अंदर जगह सामान रखा है। हम फाइनली दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि अंडर 99 यहाँ पे सब लिखा गया है, आपको हम पूरा दिखाते हैं क्या क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए मेन्यू का पूरा जो लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे लगा के बैनर चिपका दिया गया है, तो पूरा हम शॉप को एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से अंदर का व्यू है बाहर का व्यू है, क्योंकि चारों तरफ से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा होगा, क्योंकि हमारे अयोध्या के बना हुआ फूड कॉर्नर है, हमारे हिमांशु भाई हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए होके बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पे भैया थे उनसे बात किया जा रहा था कितने में क्या है और वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परमिशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसी किसी लोग को नहीं पता होता है, परमिशन नहीं लेने के बाद वो मना कर देते तो अच्छा भी नहीं लगता, इससे पहले कि उनसे पूछ लो बनाया जाए कि ना बनाएंगे। यहाँ का व्यू आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा यूनिक आ रहा है, चारों तरफ से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम खड़े हुए हैं जस्ट कृष्णा पैलेस होटल के सामने, जहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सब लोग आते हैं खाने के लिए, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे अंडर 99 लिखा गया, यहाँ पर सब लोग आते हैं, हम भी आए थे यहाँ पर, पनीर मोमोज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आज यहाँ का पनीर मोमोज इस शॉप का पूरा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो हम लेंगे टेस्ट करेंगे उसको भी आपको बताएंगे टेस्ट कैसा रहा, खाने में कैसा था, क्योंकि सब लोग ले तो लेते हैं फिर उनका टेस्ट नहीं पता होगा, इसलिए हम आपको बताएंगे टेस्ट कैसा होता है यहाँ का,
भी काफ़ी ज़्यादा मैंने नाम सुना था। आज को अपने चेक करके यहाँ पे टेस्ट करके बताते हैं कि अंडर 99 जो मोमोज वाले भैया इनका टेस्ट कैसा है। दोस्तों मोमोज मिल गया, पनीर मोमोज देख लीजिए, और इसको हम टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं कैसा लगता है, फिर आपको लोकेशन भी बता देंगे कहाँ पे भैया की शॉप पे आइए, विजिट कीजिए, टेस्ट आइए, इनको कैसा लगता है अभी आपको टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसा लगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है खाने में। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे पनीर मोमोज ट्राई किया, काफी अच्छा, काफी बेहतरीन स्वाद, यहाँ पे पिज्जा, पनीर, सैंडविच सब कुछ मिलता है। आप भी आइए अंडर 99, तो विजिट कीजिए भैया, यहाँ टेस्ट आइए कैसा लगता है, क्योंकि काफी अच्छा, काफी बेहतरीन स्वाद था, मैंने आपको खाते हुए भी दिखाया, काफी अच्छा था, क्योंकि पनीर काफी ज्यादा उसमें पड़ा हुआ था, सब लोग कहते थे नाम का पनीर था, ऐसा नहीं है। आप भी आइए, खाइए, बताइए कैसा लगता है, कि पनीर मोमोज में था, मैंने आपको दिखाया भी है। लोकेशन होने वाली है सिविल लाइन कृष्णा होटल पहले जस्ट सामने जो फूड कॉर्नर है, यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए, बताइए टेस्ट कैसा लगा। ऐसे ऐसे ब्लॉग आपके लिए मैं लाते रहेंगे, बट आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आज मैंने पनीर का दिखाया था, कल मैं कुछ और दिखाने वाला हूँ आपको, बट उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।